हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के वीडियो में केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। इससे पहले के दो जो चैप्टर थे उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से एलिमेंट्स इस वर्ल्ड में एक्सिस्ट करते हैं, जो कि हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में। और सेकेंड चैप्टर में हमने देखा था कि जो ये एलिमेंट्स कंपाउंड्स बनाते हैं उनका नेमिंग कैसे करते हैं। आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर केमिस्ट्री क्या चल रही होती है। तो केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू के रेस्पेक्ट में, और ये बहुत लेंथी टॉपिक है। तो इसको मैंने पांच पार्ट्स में डिवाइड किया है। केमिकल बॉन्डिंग वन में हम क्या पढ़ेंगे वो मैं बताता हूँ, पर इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ना है क्योंकि 20 से 30% जो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर से आते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये दो चैप्टर आप अच्छे से पढ़ना। अब डिस्कस करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग वन में क्या हम पढ़ेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग वन में हम देखेंगे ऑक्टेट रूल, जो कि हम 9th क्लास से देखते हुए आ रहे हैं कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, वो ऑक्टेट रूल की थ्योरी बताती है हमको। उसके बाद हम देखेंगे लुइस डॉट स्ट्रक्चर, हम उसको ड्रॉ करना सीखेंगे, और अलग अलग कंपाउंड के लुइस डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम सीख लेंगे। फिर देखेंगे हम लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। जब ऑक्टेट रूल बना था उसके बाद जब रिसर्च हुई, बहुत सारी रिएक्शंस हुई, तो ऐसा पता लगा कि ऑक्टेट रूल हर चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाता है, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। उसके बाद फिर नई थ्योरीज आई है, वो हम आगे जैसे जैसे चैप्टर में जाएंगे आपको पता पड़ जाएगी। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना सीखेंगे, वो काम आएगा बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेजोनेंस ही है, उसके बाद है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन की एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा, वो 10 सेकंड के अंदर आप 10 भी नहीं, बहुत जल्दी आप प्रैक्टिस करेंगे तो 2-3 सेकंड में आप आंसर निकालना सीख जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर का, पर वो मैं आपको बताऊंगा केमिकल बॉन्डिंग 4 में। अभी आप लंबे तरीके से सीखें जो नॉर्मल मेथड है जो सब जने सीखते हैं, फिर मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग 4 में बताऊंगा कि आप जल्दी से इसको कैसे निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसके बाद है ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, जो कि काम आएगा अगले टॉपिक में केमिकल बॉन्डिंग 2 में जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। तो इस नोट्स की पीडीएफ में आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। जो लोग भी नए हैं और टेलीग्राम चैनल या ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो दोनों को ज्वाइन कर लो जाके, यूजर नेम दोनों के दे रखें। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिलेगा, आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाके अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्यूआर कोड यहाँ पे दे रखा है, आप दोनों को स्कैन कर सकते हो और ज्वाइन हो सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और कमेंट में बताना कि आपको नोट्स की पीडीएफ कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।